नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की अब उल्टी गिनती लगभग शुरू हो गई। जो लोग कभी अरविंद केजरीवाल की शालीनता के ढिंढोरे पीटने के लेकर उनसे कभी संपत्ति रखा करते थे, आज वो अरविंद केजरीवाल को एक नंबर का धूर्त आदमी बता रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन बुजुर्ग अन्ना हजारे की छाती पर पैर रखकर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सिंहासन तक पहुंचे थे, आज वही अन्ना हजारे भी अरविंद केजरीवाल जैसे धूर्त इंसान को वोट देने से मना कर रहे हैं। वो दिल्ली ही नहीं अपितु पूरे देश के अंदर ये कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को कभी नहीं चुनना चाहिए जो भ्रष्टाचारी हो या जो किसी भी तरीके की आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो। उनका कहना था, आज जब उन्होंने वोट डाला तो उनका कहना था कि जो वोट है वो देश की चाबी है, देश को चलाने की चाबी है, तो जो चाबी है वो गलत हाथों में कभी भी नहीं सौंपी जानी चाहिए। ये कहना है बुजुर्ग अन्ना हजारे का, जिन्हें जिनके आंदोलन से ही निकलकर अरविंद केजरीवाल उन्हें धोखा देते हुए यहां तक पहुंचे थे। पर आज उन्हीं अन्ना हजारे की नजरों में सबसे ज्यादा धूर्त और गिरा हुआ इंसान अगर कोई है तो वो अरविंद केजरीवाल है। लेकिन केजरीवाल हैं के पद से चिपटे हुए हैं, तिहाड़ जेल जाने के बाद भी उन्होंने अपना पद नहीं छोड़ा। इसके कई कारण थे। एक कारण यह था कि लीगल टीम उनके हाथ से चली जाएगी, दूसरा कारण यह था कि शीश महल छिन जाएगा, तीसरा कारण यह था कि क्योंकि उनकी टीम के अंदर तीन देवियां बहुत ज्यादा एक्टिव हैं और किसी भी तरीके से वो तीनों की तीनों उनका संहार कर देंगे। और कहीं ना कहीं जो उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल है, जिनको वो जबरदस्ती सीट पर बिठाना चाहते हैं, परिवारवाद का कभी विरोध करने वाले अरविंद केजरीवाल आज अपनी पत्नी को उस कुर्सी पर, सीएम की कुर्सी पर बिठाने पर आमादा है। और यही कारण है कि आज वो भारी विवादों के बीच घिर चुके हैं। तो अन्ना हजारे उनको अब मुख्यमंत्री या राजनेता तक देखना नहीं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर उनके गुरु अन्ना हजारे ने आज निशाना साधा। अन्ना हजारे ने आज अपना वोट डालने के बाद लोगों से एक खास अपील करते हुए कहा कि सभी लोगों को सही उम्मीदवार चुनना चाहिए, क्योंकि देश की चाबी गलत हाथों में नहीं जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को कभी नहीं चुने जिनके पीछे ईडी पड़ी हो, यानी कि निशाना अरविंद केजरीवाल पर साधा। अरविंद केजरीवाल के गुरु ने ही आज अरविंद केजरीवाल के शराब घोटाले को लेकर बड़ा कटाक्ष किया। अन्ना हजारे ने आज अपना वोट डालने के बाद लोगों से एक खास अपील कर दी और उसमें जो कटाक्ष किया गया वो खास तौर पे था कि जिन लोगों के पीछे ईडी पड़ी हो उनको तो अपना वोट कभी मत डालिएगा। इसके अलावा अन्ना हजारे ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बारे में सीधे सीधे कहा कि मैं दिल्ली शराब घोटाले मामले में नाम आने के बाद अरविंद केजरीवाल की कड़ी आलोचना करता हूं, क्योंकि उन्होंने यह भ्रष्टाचार किया है। यानी कि अन्ना हजारे मान रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने यह शराब घोटाला किया है, ऐसे लोगों को दोबारा नहीं चुना जाना चाहिए। ये अन्ना हजारे कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। इस बीच पुणे में बीजेपी नेता और कोकरुझार के विधायक चंद्रकांत पाटिल ने वहां पर मतदान किया और अन्ना हजारे के सामने उन्होंने बाकायदा अन्ना हजारे को प्रणाम करते हुए उन्होंने एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल के बारे में जानना चाहा। इस पर अन्ना हजारे ने कहा कि अरविंद केजरीवाल पर शराब घोटाले के दाग लगे हैं और ईडी उनके पीछे पड़ी हुई है। तिहाड़ जेल में रहकर जिस तरीके से केजरीवाल आए हैं, तिहाड़ जेल में रहते हुए भी वो जिस तरीके से मुख्यमंत्री के पद पर चिपके हुए हैं,
उससे साफ पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल महाभ्रष्ट आदमी हैं। ये अन्ना हजारे जिस तरीके से अपने बयान में आज अपने ही उस व्यक्ति को, उस शख्स को निशाने पर ले रहे थे जिसके, जो शख्स उन्हीं के आंदोलन से निकलकर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा था, बहुत बड़ी बात है। लेकिन अरविंद केजरीवाल आज जिस तरीके से मुफ्त की रेवड़ियां बांटकर और मुफ्त की रेवड़ी बांटने के वादे करके कुर्सी पर चिपटे बैठ गए, सचमुच वो दुखदाई है। अब उनके पार्टी के अंदर परिवारवाद की लड़ाई भी जो शुरू हो चुकी है वो सचमुच बहुत बड़ी है। पार्टी के अंदर चिंगारी सुलग उठी, चिंगारी तो उसी दिन सुलग रही थी जब अरविंद केजरीवाल जिस दिन तिहाड़ जेल में बंद होकर पहुंचे थे। उसके बाद से बहुत सारे लोगों को अरविंद केजरीवाल की इस पद पर नजर है, खासतौर पर संजय सिंह, स्वाति मालीवाल, आतिशी मार्लेनो, खुद अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, जिन्हें केजरीवाल भी सीएम की कुर्सी पर बिठाना चाहते हैं। इसके अलावा पंजाब में भी बड़ी उथल पुथल शुरू हो चुकी है, भगवंत मान को कई सांसद वहां से छोड़ के जा चुके हैं और कई लोग जाने की तैयारी में, यानी कि जो अरविंद केजरीवाल अपने आप को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर देखकर बहुत खुश हो रहे थे कि वो पहुंच जाएंगे, बार बार मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे थे, उन अरविंद केजरीवाल के ऊपर अब गाज गिर रही है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि वो जिस तरीके से दावा कर रहे हैं कि वो 5 तारीख को फिर छूटकर बाहर आ जाएंगे, ये भी बड़ा हैरान करने वाला है। हालांकि अरविंद केजरीवाल बहुत झूठे इंसान हैं, बार बार झूठ बोलते हैं जनता के सामने, कसमें खाते हैं जनता के सामने, सभी कुछ झूठा होता है, परंतु जिस तरीके से उन्होंने ये दावा किया है, यानी कि उन्हें लग रहा है इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री वो खुद होंगे, बाकी जाए सब इधर उधर, और वो बन जाएंगे और वो बाहर आ जाएंगे। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। राजनीतिक गलियारों में अरविंद केजरीवाल को जिस तरीके से चुनावों के बाद किक आउट किया जाएगा, ये आप भी देखेंगे और हम भी देखेंगे। अरविंद केजरीवाल ना तो इंडी गठबंधन जीतने वाला है, मोदी की बहुत बड़ी लहर है, हम आपको दावे के साथ कह रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी चुनाव उसी दिन जीत गई थी जिस दिन देश के अंदर भव्य राम मंदिर का उद्घाटन हुआ और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। ये जो पूरा मंदिर का जो भव्य निर्माण और उनकी प्राण प्रतिष्ठा है, जिस तरीके से पूरे दुनिया ने देखा, भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी दिन ये 2024 का चुनाव जीते। ये जो इंडी गठबंधन के नाम पे लेफ्टिस्ट विचारधारा के लोग देश को बर्बाद करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, ये पूरे होने वाले नहीं है, क्योंकि ये प्रयास अब एक जो हमारा एक धार्मिक अनुष्ठान है उसके बाद पूरी तरीके से जमीन पर विफल हो चुका है। बहुत बड़ी बात है, अरविंद केजरीवाल का नामो निशान मिटने वाला है राजनीति से, ये आप भी देखेंगे हम भी देखेंगे, क्योंकि पुरानी एक कहावत है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। तो अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो इसे आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। इसके अलावा आप अगर हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो हमारे QR कोड को स्कैन करके या फिर हमारे सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।